मेरा दोस्त रसोची बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत रिच हो गया, बहुत दौलत हो गई उसके पास। इतनी दौलत हो गई कि एक दिन एक मीडिया पर्सन केम टू हिम एंड ही टोल्ड रसोची, सर आई वॉन्ट टू टेक योर इंटरव्यू। रसोची सेड ऑल राइट, यू आस्क मी व्हाट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी। मीडिया पर्सन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड रसोची रिप्लाइड ऑल दोज क्वेश्चंस टू हिज सेटिस्फैक्शन। फिर मीडिया पर्सन ने पूछा, सर कैन आई हैव योर मेल आईडी? तो रसोची ने कहा, मेल आईडी वो क्या होता है? तो मीडिया पर्सन ने कहा, सर आपको नहीं मालूम मेल आईडी क्या होता है? मेल आईडी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके पास में दुनिया भर के मैसेज आ सकते हैं। और आप सोचिए कि अगर आपके पास में मेल आईडी नहीं है तो आप इतने रिच हो गए, अगर आपके पास में मेल आईडी होती तो आप दुनिया में कितने बड़े पैसे वाले बन जाते। तो रसोची ने कहा, थैंक गॉड आई डू नॉट हैव ए मेल आईडी। अगर मेरे पास मेल आईडी होती तो मैं चर्च में घंटा बजा रहा होता। तो मीडिया पर्सन ने पूछा, सर ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपके पास मेल आईडी होती तो आप चर्च में घंटा बजा रहे होते, इसका क्या मतलब है? रसोची ने कहा, बताता हूं। रसोची ने कहा, देखिए चर्च ने एडवर्टाइज किया कि उनको एक घंटा बजाने वाले आदमी की जरूरत है। मैंने उनका पेपर में विज्ञापन देखा और मैं उस नौकरी के लिए गया। मेरा इंटरव्यू हुआ, उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और मैंने उन सारे सवालों के उनको उत्तर दिए। फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मेल आईडी क्या है? तो मैंने कहा, मेरे पास तो कोई मेल आईडी नहीं है, मेरी तो कोई मेल आईडी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपके पास में मेल आईडी नहीं है तो फिर मैं हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने के बाद मैं चर्च से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नौकरी की बहुत जरूरत थी लेकिन नौकरी से मुझे बर्खास्त और रिजेक्ट किया गया था ऑलरेडी। मैं खड़ा था, इतने में एक आदमी आया मेरे पास और उसने मुझसे पूछा, सर ये फ्लावर्स कहाँ मिलेंगे? तो मैंने कहा कि मुझे तो कोई यहाँ आसपास दुकान दिखाई देती नहीं है, पर हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जरूर एक फूल वाले की दुकान है, आप वहां से फूल खरीद सकते हैं। तो उस आदमी ने कहा, अरे बाप रे 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा फूल लेने के लिए, ओ माई गॉड। एंड वो जो आदमी था वो काफी दुखी नजर आया। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक फूलों की दुकान खोलूँ, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर एक फूलों की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मैं मार्केट गया, एक कटोरे में, एक बास्केट में कुछ फूल मार्केट से खरीद के लेके आया और चर्च के बाहर वो कटोरा रख के बैठ गया और मैं फूल बेचने लगा। और मैंने देखा कि दोपहर होते होते मेरे सारे फूल बिक गए। अगले दिन भी ऐसा किया, अगले दिन भी मेरे सारे फूल बिक गए, और करते करते मेरे फूल इतने बिकने लगे कि मुझे वहां पर एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ी। और जब मैंने छोटी सी दुकान खोली तो मेरी वो दुकान भी काफी सक्सेसफुली फुल हुई और मेरे सारे फूल बिकने लगे। फिर मुझे लगा कि ये चर्च है, यहाँ पर फूलों की जरूरत है, तो बाकी इस शहर में जो चर्च हैं वहां भी जरूरत होती होगी। तो फिर मैंने एक एक करके जो चर्च हैं इस शहर के वहां भी अपनी एक दुकान डाली, और मेरे जो जान पहचान के लोग थे उनको रोजगार दिया। करते करते फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मंदिर है, चर्च है, अगर चर्च में फूलों की जरूरत पड़ती है तो मंदिर में भी लोगों को फूलों की जरूरत पड़ती होगी। तो फिर मैंने आसपास के जो मंदिर थे वहां पर भी दुकानें खोल दी, वहां पर भी कुछ लोगों को रोजगार दिया, और ऐसा करते करते इस शहर के पूरे मंदिरों में के बाहर भी मैंने दुकानें खोली। और करते करते मेरा बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इतना बढ़ता गया कि फिर मैंने शहर के बाहर भी जो और शहर हैं वहां पर भी मेरी दुकानें खोली, वहां पर भी मेरे फूलों की बिक्री होती गई होती गई होती गई, और इस तरह से मेरा व्यापार पूरे शहर और पूरे राज्य में फैल गया, और उसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में मेल आईडी होती तो उन्होंने मुझे नौकरी दे दी होती, और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी होती तो मैं वहां पर बैठ के घंटा बजा रहा होता। फ्रेंड्स रिमेंबर, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज नथिंग एल्स, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज इनर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन।
If you are looking for motivation to come from outside, remember you are being a beggar, and beggars will never have the choice. Be self-motivated. Nowadays it is so common to hear people talking about पैसे से कैसे पैसा बनाए, बिना पैसे के कैसा पैसे पैसा बनाए, बिना मेहनत किए कैसे पैसा बनाए, घर बैठे कैसे पैसा कमाए, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगर सोते समय पैसा कैसे बनाए। देखिए दोस्तों, एक चीज बहुत क्लियरली समझ के लीजिए कि पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। पैसा कमाना है, फसल चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, बीज बोना पड़ेगा। बीज अगर नहीं बोएंगे तो फसल नहीं आ पाएगी। बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए ये करेगा, अस्तित्व आपके लिए ये करेगा। अरे भाई, ब्रह्मांड कोई फालतू बैठा नहीं है, ब्रह्मांड के पास बहुत सारे काम है। ब्रह्मांड को इतनी फुर्सत नहीं है कि हर एक आदमी को देखते बैठे कि ये क्या कर रहा है, ये मुझे याद कर रहा है कि याद नहीं कर रहा है, वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा है, जो मुझे याद कर रहा है मैं उसके पास जाऊं। रिमेंबर, एग्जिस्टेंस, द होल यूनिवर्स हैज इट्स ओन रूल्स, एंड दोज रूल्स आर वेरी सिंपल, एंड दोज रूल्स आर अनलेस एंड अंटिल यू सो अ सीड, यू विल नेवर बी एबल टू रीप अ क्रॉप, एंड दैट इज the inner motivation, that is the self motivation. So याद रखिए, situations will be what they are. What will make the difference is how do we respond to them. Rasochi had the choice, having been rejected by the church for the job that he applied for. Rasochi had the choice of feeling disappointed, dejected, frustrated. Instead of doing that, he saw an opportunity in just one single thing when somebody came to him asking for an address or a location from where he could buy the flowers. Those opportunities are always coming on the way of every one of us. It is up to us whether we let that opportunity go or we jump on it and encash on it. And therefore, please remember, it's not important whether you have a mail ID or you do not have a mail ID. What is important is whether you have the inner motivation, whether you have the inner motivation. So always recognize your potential. Always be aware of your potential. And please remember, your potential, my potential, and potential of everyone is absolutely unlimited. The only thing that limits our potential is our thinking. Keep your thinking very high. Keep yourself extremely self-motivated. Don't look for the motivation from outside. Look for the motivation from inside, because it is already there with you. And once you use your motivation, things are bound to change for yourself, and success has to come to you because you are working for it. Thank you.